अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी, कुनाफा, जिसको हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। जी हाँ, माइक्रोवेव में विदाउट किसी अवन। ईद स्पेशल रेसिपी के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी फेनियाँ। फेनियाँ बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको बनाएंगे वर्मासेली से, जो कि पतली वाली रोस्टेड सेवैयाँ होती हैं उनसे। मेरे पास सेवैयाँ हैं क्योंकि मुझे फेनियाँ यहाँ पे नहीं मिली, और ये बहुत ही बारीक वाली फेनियाँ, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, बहुत ही बारीक वाली आपने सेवैयाँ लेनी है अगर आप इसको बना रहे हैं। और ये मेड इन पाकिस्तान है, जो कि मुझे यूके में ईजीली अवेलेबल होगी पाकिस्तानी सुपर स्टोर के ऊपर। सबसे पहला स्टेप हमारा जो है वो ये है कि हम लोगों ने अपनी सेवैयाँ या फेनियाँ जो भी हम ले रहे हैं उसको हमने प्रिपेयर करना है। और आपने इन सेवैयों का इस तरह यूं छोरा चूरा सा बना लेना है, इनको तोड़ लेना है। और ये मेरे पास देसी घी है जिसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, फिर बना लिया। देसी घी में मैं येलो फूड कलर को मिला रही हूँ। मैंने फूड कलर को जो है पानी में थोड़ा सा मेल्ट किया था, और बस इस तरह ही मिक्स होगा बिकॉज इट्स वाटर। अब इन सेवैयों में मैं ये देसी घी विद कलर ऐड करूँगी। ऐसे ही हम इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा देसी घी जो है वो हर जगह चला जाए। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। पहली फिलिंग जो हमारी है वो सूजी की फिलिंग है। उसके लिए हमें चाहिए मिल्क, दूध। मैं ले रही हूँ 400 मिलीलीटर्स, 2 कप, 2 खाने के चम्मच बड़े सूजी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच चीनी, 1 चुटकी इलायची पाउडर। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम हीट पे, और चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है। जब ये पकना शुरू हो जाए और ये इस तरह की इसकी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाए तो हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी फीलिंग जो हमारी है वो हमारी मोज़रेला फीलिंग है। ये मेरी मोज़रेला चीज़, मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसका लिंक के ऊपर मैंने टॉप पे दे दिया। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे थोड़ा सा हाथ से ही श्रेड कर लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच चीनी मिला लेंगे और साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, 1 पिंच ऑलमोस्ट। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और हमारी ये सेकंड फिलिंग रेडी है। इसको भी आप साइड पे रख लें, फ्रिज में रख दें इसको। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप शुगर, 2 कप चीनी और 1 कप पानी जा रहा है। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐसे स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ, फ्रेश लेमन जूस। ये सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए होता है शुगर की। इसको मिक्स करेंगे और मीडियम हीट पे हम इसको 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे, सिमर करेंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही मैं इसमें ये इलायची डाल रही हूँ, 3 इलायचियाँ मैंने डाली हैं। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते, आप इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, गुलाब का अर्क जो होता है, लेकिन मेरी फैमिली में किसी को गुलाब का अर्क का जायका पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं इलायची डाल रही हूँ। जब हमारा शुगर सिरप ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, तो हमने इसको बंद कर देना नीचे से। अब हम अपना ये पैन प्रिपेयर कर लेंगे। इसको हम ऑयल लगा देंगे ताकि हमारे ये जितने भी कुनाफा हैं ये इजीली निकल सकें बाद में।
और ये इस तरह के छोटे से मोल्ड्स हैं मेरे पास, ये माइक्रोवेव के लिए हैं। इसको भी आप ऐसे ही ऑयल लगा लेंगे। ये इस तरह के जो मेरे पास हैं इनको मैंने माइक्रोवेव में रखना है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि माइक्रोवेव में हम किस तरह कुनाफा बनाते हैं और अवन में किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये छोटे वाले जो पॉट्स हैं ये मेरे माइक्रोवेव के लिए मैं बना रही हूँ, जो पहले दिखाए थे वो अवन के लिए। अब इसकी असेंबली हमें इस तरह करनी है कि सबसे नीचे हमने अपनी ये सेवैयाँ डालनी है, 2 चम्मच, कोई भी आप इस तरह का फ्लैट ये लेंगे, कोई भी चीज़ ग्लास भी ले सकते हैं छोटा सा, और उसके साथ हम इसको प्रेस कर देंगे बॉटम में। अब 1 स्पून इसमें डालूंगी मैं अपनी सेमोलिना वाली फिलिंग, उसको हम सारा यूँ फिला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 स्पून डालनी है। और साथ ही मैं इसमें अब अपनी मोज़रेला फिलिंग डाल रही हूँ जो हमने बनाई है, ठीक है। फिंगर से ही मैं इसको ज़रा सेट कर रही हूँ और एंड में दोबारा से हम इसमें अपनी सेवैयाँ लगाएंगे। अब सेम स्टेप्स जो हैं मैंने ये कपकेक्स वाले में भी कर ली हैं, सेम ऐसी मैंने फिलिंग्स इन सब की कर ली है। अब हम इसको बेक करेंगे। और ये जो है हमारे ये वाले पॉट्स, इनको मैं माइक्रोवेव ओवन में रखूँगी। मैं 1 मिनट से स्टार्ट करूँगी और फिर हम इसको बार बार देखते रहेंगे कभी 30 सेकेंड्स के ये हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी के माइक्रोवेव का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो फिर उस हिसाब से आप लोग भी बार बार इस तरह निकाल के चेक करते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि अभी इसकी चीज़ जैसी मेल्ट होगी तो इसका मतलब है कि हो गया कम्प्लीटली डन। आफ्टर 1 मिनट अभी ये थोड़ा सा सेंटर से अभी नहीं हुआ है, साइड से ये हो गया है। मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए और रखूँगी माइक्रोवेव में। मैंने ऑलमोस्ट इसको ना 10 सेकेंड्स के बाद ही निकाल रही हूँ क्योंकि 30 सेकेंड्स वाज टू मच, तो ये 1 मिनट 10 सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही माइक्रोवेव से कुनाफा हमने निकाला, इसको हमने फ़ौरन ही शुगर सिरप इसके ऊपर डालना है। शुगर सिरप भी हमारा गर्म ही होना चाहिए जब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, और इसको हमने 5 से 10 मिनट्स के लिए इसको सोख होने के लिए रखना है ताकि ये अच्छा सा बन जाए। अब जो हमारा ये वाला बैच है इसको मैं ओवन में बेक करना करूँगी और हम इसको करेंगे 200 डिग्रीज़ पे फॉर 5 से 10 मिनट्स, बिकॉज ये जो मसीली है ये ऑलरेडी कुक्ड है, तो हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक बस हमने इसको करना है बेक। आफ्टर 10 मिनट्स ये हमारा कुनाफा रेडी है, इट्स हॉट, पाइपिंग हॉट। सो जैसे ये पाइपिंग होता है हम इसके ऊपर शुगर सिरप अपना डालना शुरू करेंगे। अभी हम इसको 10 मिनट्स देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। केयरफुली हम ऐसे अपने सारे कप स्पून की हेल्प से निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ही यमी बनते हैं इस तरह जब बनाएंगे। अच्छा, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ, पिस्ता थोड़ा सा इसके ऊपर डालते होते हैं, आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं। और ये देखें ज़रा क्या कमाल का कुनाफा बना है, कितनी यमी इसके थ्रेड्स बने हैं चीज़ के, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का। आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे बताएँ कि आपका कैसा बना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।